दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सभी को नमस्ते। आइए गीता प्रवचन के 26वें दिन के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता प्रवचन के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम का हमारा बहुत ही एक रोचक विषय है, स्वास्थ्य को लेकर के। और आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर गीता प्रवचन में स्वास्थ्य का क्या काम है या स्वास्थ्य की जानकारी देने का क्या प्रयोजन है। तो मैं आपको निवेदन करता चलूं कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है वो मानव के संपूर्ण विकास का संदेश है। वो केवल एक युद्ध करो करने का संदेश नहीं है, बल्कि एक मानव का संपूर्ण विकास किस प्रकार से हो, वो गीता का संदेश हमें ज्ञानी भी बनाता है, गीता का संदेश हमें भक्त भी बनाता है, गीता का संदेश हमें वीर भी बनाता है, गीता का संदेश हमें पुरुषार्थी भी बनाता है। लेकिन गीता का संदेश ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया कि जो गीता है, गीता का जो संदेश है वो वेद के आधार पर भगवान कृष्ण ने दिया। वेद कहता है स्वक्षेत्रे अनविवा विराजे, कि तुम अपने शरीर में स्वस्थ होकर के रहो, तुम्हारा शरीर किसी प्रकार से बीमार ना हो। देखिए दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी मत पंथ को मानने वाला व्यक्ति है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है या विद्वान है, दुनिया का हर व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है उद्देश्य है सुखी होना। दुनिया का हर व्यक्ति सुख चाहता है। तो आप बताइए दुनिया में कितने प्रकार के सुख होते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज में पासा और छठा सुख बैकुंठ में बासा। तो जितने भी संसार के सुख होते हैं उन सुखों में पहला सुख है निरोगी काया, कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ध्यान में रखिएगा मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं, आपके पास अच्छा मकान है, आपके पास खूब पैसा है, आपके पास खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, उनका आनंद, उनका अच्छा सुख आप नहीं ले पाएंगे। यदि आपका शरीर बीमार रहता है तो आपके सामने चाहे बढ़िया बढ़िया पकवान ला करके रख दिए जाएं तो भी आप कहोगे ये पकवान मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, इनको हटाओ यहाँ से। आपको अच्छा भोजन भी बुरा लगेगा, आपको बढ़िया कपड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपके पास बढ़िया मकान है, आलीशान बिल्डिंग आपके पास है, लेकिन उस बिल्डिंग में भी आपको आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। आपके चाहे कितना बड़ा पद आपके पास में हो, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उस पद से भी आपको सुख नहीं मिलेगा। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तब तक न धन का सुख हमें मिलेगा, न हमें संतान का सुख मिलेगा, न हमें परिवार का सुख मिलेगा, न हमें मकान का, न कपड़ों का, न भोजन का, किसी भी प्रकार का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो कहते हैं कि व्यक्ति को, जब व्यक्ति काम करके थक जाता है तो वो खेत पर भी मिट्टी का एक ढेला अपने सिरे सिरहाने रख करके उसको बढ़िया नींद आ जाती है, आराम से सो जाता है। तो जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो सुखी होता है। इसलिए अभी हमने इस कोरोना के समय में देखा, जो भी भाई कोरोना की चपेट में आए, जिसके परिवार के लोग आए, तो आपने देखा किस प्रकार से जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो एक व्यक्ति परेशान नहीं होता है,
बीमार व्यक्ति के साथ में उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है, उनका सारा काम धंधा रुक जाता है, उनका पैसा इस बीमारी में खर्च होता है, और साथ में जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी परेशान होते, उनको भी तनाव होता कि भाई वो बीमार है, कहीं कुछ हो न जाए। तो एक व्यक्ति जब बीमार होता तो वो स्वयं तो दुखी होता ही है, साथ में अपने परिवार वालों को दुखी करता है, आर्थिक नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, हमारा सारा काम रुक जाता है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक बहुत ही अद्भुत और रोचक श्लोक है, जो क्या कहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक के अंदर हमारे दुखों को दूर करने का उपाय बताया है। आप कहोगे जी हमारे दुख दूर हो जाएंगे, तो आप ये श्लोक सुनिएगा। आप निश्चित मानकर चलिए यदि आपने श्लोक को सुना और उस पर आचरण किया, तो भगवान कृष्ण ने कहा योगो भवति दुखहा, कि हमारे दुखों दुख सारे दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय भी हमें करने पड़ेंगे। तो श्लोक क्या है, श्लोक ये कहता है युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखहा। युक्त आहार विहार, युक्त स्वप्न अवबोध और अच्छे कर्म, इससे क्या होगा, योगो भवति दुखहा, कि तुम जब योग करोगे, योग करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इससे पहले क्या उन्होंने उपाय बताया, कहा जो जिस मनुष्य का युक्त आहार, जिसका खान पान ठीक है, जिसका दिनचर्या ठीक है, जिसका सोना और जागना सही समय पर होता है, जिसका उठना बैठना, जिसकी सारी क्रियाएं ठीक ठाक है, और जो व्यक्ति योग करता है, योगाभ्यास करता है, निश्चित रूप से योगो भवति दुखहा, उसका पूरा का पूरा जीवन दुख से दूर हो जाता है, उसके जीवन में खुशियां आ जाती है। तो देखिए यहाँ भगवान कृष्ण हमें स्वस्थ जीवन की शैली बता रहे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे बने, इसका उन्होंने उपाय बताया। एक व्यक्ति स्वस्थ है उसकी पहचान क्या है, क्योंकि आधा घंटे में हमें काफी आपको बातें बतानी है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसकी पहचान क्या है, आयुर्वेद ये कहता है सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, कि जिस व्यक्ति के वात पित्त कफ जो शरीर में है वो सम हो, वो ठीक हो, जो अग्नि हमारे शरीर में भोजन का जो भूख लगना और जठराग्नि ये सब हमारी ठीक हो, जो हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है, जो हम भोजन करते हैं उसका रस बनता है, रक्त मांस मज्जा अस्थिमेध और शुक्र, 7 धातुओं का निर्माण हमारे शरीर में हो रहा है, ये सब की ठीक होनी चाहिए, निर्माण धातुओं का सही सही होना चाहिए। और सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिय, जो हमारी मल की क्रिया है वो ठीक होनी चाहिए, और हमारा आत्मा और हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान आयुर्वेद ने बताई। अब थोड़ा इसको सरल भाषा में समझिए आप, जिस व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है, आप जब बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए तो आपको 5-7 मिनट के अंदर ही गहरी नींद आपको आ जाती है, तो आप समझिए आप स्वस्थ हैं। तो पहली निशानी है स्वस्थ व्यक्ति की कि उसको नींद अच्छी आती है। दूसरी पहचान है स्वस्थ व्यक्ति की कि उसको दोनों समय अच्छी भूख लगती है, वो कहता बस रोटी लाओ मेरे को तो भूख लग रही है, उसको दोनों समय अच्छी भूख लगती है। तीसरी पहचान है कि उस व्यक्ति का दोनों समय बढ़िया पेट साफ होता है, लेटरिंग में शौचालय में आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, नहीं तो कई लोग हमने देखे ऐसे ऐसे लोग जो लेटरिंग में जाते हैं और वहां बैठे ही रहते हैं 15 मिनट आधा घंटा पौन घंटे बैठे रहते हैं। तो हमने देखा शहरों के अंदर कई लोग क्या करते हैं, उनके लेटरिंग के अंदर ही वो अखबार रखते हैं या कुछ पत्र पत्रिकाएं मैगजीन वगैरह रखते हैं। तो मैंने एक बार ऐसा देखा तो मैंने कहा भाई शौचालय में अखबार और ये पत्रिकाएं आपने क्यों रखी हुई है, तो उन्होंने कहा साहब क्या करें टाइम पास नहीं होता है, हम शौचालय में जाकर के बैठ जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी, और रानी तो आती नहीं है, राजा ही राजा आता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं फिर अखबार पढ़ते हैं मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि 1 घंटा बैठना है अंदर। तो जिसका दोनों समय 5-7 मिनट में ही जो शौचालय से बाहर आ जाते हैं
बढ़िया पेट साफ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस को एक बार में ही उसका पेट साफ हो जाता है, ऐसा जिसका पेट साफ होता है वो व्यक्ति स्वस्थ है। और क्या निशानी है स्वस्थ व्यक्ति की? स्वस्थ व्यक्ति की निशानी यह है कि उसके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, दिन भर उसके शरीर में एक जोश रहेगा, उत्साह रहेगा, काम करने में उसको भाग करके काम करेगा, यानी शरीर में जोश स्फूर्ति जिसके शरीर में हमेशा रहती है वो व्यक्ति स्वस्थ है। और क्या पहचान है स्वस्थ व्यक्ति की? जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक विचार जिसके हमेशा रहते हैं वो व्यक्ति भी स्वस्थ है। और जो व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, किसी प्रकार की टेंशन वो नहीं लेता है, तनाव मुक्त रहने वाला व्यक्ति भी उसके भी स्वस्थ है। और जिसका वजन शरीर का संतुलित है, ज्यादा मोटापा और बिल्कुल पतलापन, ये दोनों ही बीमार व्यक्ति की निशानियां होती है, तो जिसका शरीर का वजन भी संतुलित होता है वो व्यक्ति स्वस्थ है। और क्या पहचान है स्वस्थ व्यक्ति की? कि उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता नजर आएगी आपको, वो हमेशा खिलखिलाता हुआ, जैसे फूल खिलता हुआ फूल होता है, उस खिलते हुए फूल को देख करके ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को देखने से आपका मन प्रसन्न हो जाए कि यार ये व्यक्ति बड़ा जब दिखता है तो बड़ा खुश, हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमेशा ये खिला खिला सा रहता है, तो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान ये है कि उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहेगी, हमेशा उत्साह नजर आएगा, उसके चेहरे पर आपको चमक नजर आएगी। चेहरे को चमकाने के लिए उसको लिपा पोती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाने की, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही उसके चेहरे पर एक रौनक, एक चमक, उसकी आंखों में एक उत्साह, जोश, वो आपको दिखाई देगा। ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये मैंने आपके सामने कुछ नियम बताए, ये उसकी मोटी मोटी पहचान होती है जो जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम बीमार हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आखिर इस बीमारियों के कारण क्या है, आज हम बीमारी के कारण पर चर्चा करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे इसके निवारण पर, कि क्या हम करें, किन किन उपायों का हम पालन करें कि हमें जीवन में कभी किसी प्रकार की दवाई न लेनी पड़े, अनावश्यक ऑपरेशन न करवाना पड़े, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, हम हमेशा स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें क्या करना है। इन सभी विषयों पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का संदेश है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका आपका मन प्रसन्न रहता है, आपके परिवार के लोग खुश रहते हैं, आपके परिवार की आर्थिक प्रगति होती है, आपके हर काम सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, आप दूसरों की सहायता कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं। और जब हम स्वयं ही बीमार हो जाते हैं तो दूसरे लोग फिर हमारी सेवा करते हैं। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आखिर बीमारी के कारण क्या क्या है, यदि कारण का हमें पता लग जाएगा तो हम उनका निवारण भी कर सकते हैं। और देखिए संसार में, दुनिया में एक सिद्धांत है साइंस का, बिना कारण के कोई काम नहीं होता। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम होता है, कारण अभावात कार्य भाव है। ये सिद्धांत है शास्त्रों का, दर्शन का, कि बिना कारण के कोई काम नहीं होगा। तो यदि हम बीमार हुए हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। क्या कारण हो सकते हैं बीमारियों के? लगभग 10-11 मोटे मोटे कारण हैं, वो मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। हो सकता है इसमें से कैसा भी, यही मेरे बीमारी का कारण तो यही बात है जो आपने बताई है इन 10-11 में से। तो 10-11 बीमारियों के मुख्य मुख्य कारण होते हैं, उसमें से देखिए पहला कारण है वंशानुगत डिजीज, जेनेटिक डिजीज जिसको हम कहते हैं वंशानुगत रोग। ये बहुत बड़ा कारण होता है कि माता पिता के शरीर में जैसी बीमारी होती है बच्चों को वैसी ही बीमारी उसके उत्तराधिकार में मिल जाती है। जैसे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, ऐसे ही माता पिता की बीमारी के उत्तराधिकारी भी बच्चे हो जाते हैं। तो बीमारी का पहला कारण है वंशानुगत।
वंश परंपरा से हमारे दादाजी को डायबिटीज थी, पिताजी को कैंसर हुआ, या माँ को जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही है, या माँ को एसिडिटिक प्रॉब्लम थी, तो वो बीमारियां बच्चों में भी हो जाती है। ऐसे हमने कई लोगों को देखा है जो कहते साहब हमारे पिताजी को भी डायबिटीज थी, दादाजी को भी है, अब मेरे को भी हो गई और अब बच्चों को भी होगी होगी, क्योंकि हमारी वंश परंपरा से बीमारी आ रही है। तो और एक बीमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक सामान्य बीमारी है, गैस बनना। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कहते साहब ये गैस की बीमारी हमारी खानदानी बीमारी, पिताजी को भी है, दादाजी को भी थी, उनको भी समस्या थी, और हमको भी ये गैस की बहुत बड़ी बीमारी रहती, दिन भर डकारे आती रहती है, पेट भारी रहता है, सिर भारी होता है, शरीर पूरा भारी रहता है। तो बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण है वंशानुगत, वंश परंपरा से। अब कैंसर है किसी के परिवार में तो उनके बच्चों को भी वो बीमारियां आ जाती है, तो वंशानुगत बीमारी। दूसरी बीमारी का कारण होता है गलत खान पान, जो हम गलत आहार करते हैं, गलत चीजें हम खाते हैं। खाने में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना, इस पर हम विस्तार से कल आपके सामने चर्चा करेंगे, किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको एक साथ खाने से नुकसान होता है। अब एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, जैसे दही, दही हमें खाना चाहिए, दही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन दही हमेशा दिन में खाना चाहिए। यदि उसी दही को आप रात को खाएंगे तो वही दही आपको बहुत बड़ी बीमारी का कारण की तरफ लेकर के जाएगा। वो दही जो आपने रात को खाया है, कहते हैं नक्तम दधिम न भुंजित है, शास्त्रों में लिखा रात को दही मत खाओ। यदि आप रात को दही खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अर्थराइटिस होगा, निश्चित रूप से आपको एसिडिटी प्रॉब्लम होगी, ये रात के दही का खाने का दुष्परिणाम है। तो कई चीजें ऐसी होती है जिनको दिन में खाया जाता है लेकिन वो उसको रात को नहीं खा सकते हैं, कई चीजें ऐसी जिनको आप दो चीजों को एक साथ आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। देखिए यदि हमें इस देश के लोगों को, आज हमारे इस देश का अरबों खरबों रुपया मेडिकल पर खर्च हो रहा है, अस्पतालों पर खर्च हो रहा है, दवाइयों पर खर्च हो रहा है, बीमारी पर खर्च हो रहा है। आप देखिए पिछले एक डेढ़ साल से हमारे सरकारों का, हमारा हमारे देश का अरबों खरबों रुपया केवल बीमारी पर ही खर्च हुआ है। यदि देश के लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी हो जाए, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों की जानकारी हो जाए कि भी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे रहना है, तो मैं समझता हूं हमारे देश का अरबों खरबों रुपया जो हम बीमारियों पर खर्च करते हैं वो बच सकता है। कई लोग कहते हैं साहब सरकार को अस्पताल खूब बनाने चाहिए, मैं एक बात कहा करता हूं कि यदि सरकार एक एक व्यक्ति के पीछे, एक एक आदमी के पीछे एक एक MBBS डॉक्टर भी लगा दे, और यदि वो व्यक्ति अपना खान पान और अपनी दिनचर्या ठीक न रखे तो उसको वो MBBS एक एक व्यक्ति को एक एक डॉक्टर नहीं बचा सकता। आपका सर स्वास्थ्य डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। कुछ उपाय हैं जिनको करके हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए शरीर तो है, ये कभी भी खराब हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब गाड़ी चलाते हैं तो ये सोच करके गाड़ी पर नहीं बैठते हैं कि भाई मैं बस निकल रहा हूं और आगे जाकर के मेरा एक्सीडेंट ही होगा। हर गाड़ी चलाने वाला सावधानी से गाड़ी चलाता है, ध्यान से गाड़ी चलाता है, लेकिन कई बार असावधानी से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये शरीर तो है हमारा, हम इस पर अहंकार नहीं कर सकते कि साहब मैं तो बस जानता हूं इसलिए मैं तो कभी बीमार ही नहीं होऊंगा। ऐसा अहंकार हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर में न जाने अनगिनत इसमें नाड़ियां हैं, न जाने कितना सिस्टम शरीर में, कोई खराबी आ जाती है, कोई वायरस शरीर में आ गया तो हम कैसे बच पाएंगे उससे। तो लेकिन हमें यदि जानकारी स्वास्थ्य के बारे में है तो हम बहुत कुछ अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दूसरा कारण बीमारी का है कि गलत खान पान, गलत आहार। तीसरा कारण जो आजकल सबसे बड़ा मेन रोल अदा कर रहा है वो है हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत हमारी दिनचर्या। सोने का कोई समय नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, हम बिना टाइम के खाते हैं, बिना टाइम के हम सोते हैं, रात को 12-12 बजे तक हम जग रहे हैं, दिन में सुबह हम 8-9 बजे तक हम सोते रहते हैं, और हमारे खाने का कभी दिन में 1-2 बजे खाना खा रहे हैं, कभी रात को ऐसे लोग भी हैं जो 11-11 बजे 12-12 बजे खाना खाते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है ये शरीर एक मशीन की तरह काम करता है,
और हमारे शरीर का जो तंत्र बना हुआ है, हमारे फेफड़े, हमारा हमारा लीवर, हमारा आमाशय और हमारी आंतें और हमारी पैनक्रियाज, ये सभी सूर्य की जैसे घड़ी समय चलता है सूर्य का, उस प्रकार से ही हमारा शरीर काम करता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अंग किस समय सक्रिय ज्यादा रहता है, तो यदि उस समय उसका हमने प्रयोग नहीं किया तो वो नुकसान हो जाएगा शरीर से। तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह से है, जिसको समय पर हमने सर्विस नहीं कराई, जिसका हमने सही ध्यान नहीं रखा, जिसको हमने सही नहीं चलाया, तो वो शरीर खराब हो जाता है। गाड़ी आपने ली और गाड़ी को आपने उठाया और चलाना शुरू कर दिया और बस चलाते जा रहे तो उसकी मशीन भी खराब हो जाती है। गाड़ी में समय पर उसकी सर्विस नहीं कराई तो गाड़ी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो अस्त व्यस्त दिनचर्या है, हम जो हमारा जो जीवन पूरा अस्त व्यस्त बना हुआ है, कोई सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, खाने पीने का टाइम नहीं, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। इन सभी कारणों पर मैं आगे आपके सामने विस्तार से चर्चा करूंगा। अगला होता है बीमारी का हमारा कारण है दूषित हवा। ये जो हवा खराब हो रही है, हवा में जो जहर आजकल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, इसके कारण से भी बीमारियां बहुत है। खास करके आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों के अंदर जहां पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित है, वहां अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, वहां कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, वहां सिरदर्द की बीमारी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो जहां की हवा दूषित होती है, तो दूषित हवा भी एक प्रकार से हमारे शरीर में बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा है दूषित पानी। पानी जो हम पी रहे हैं उसमें कई प्रकार का जो प्रदूषण पानी का है, उसके कारण से भी हम बीमार होते हैं। और हमारे हमने एक गलती और हमने क्या कर ली कि आजकल एक फैशन चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में आरओ लगवा रहा है। हर व्यक्ति अपने घर में रसोई के अंदर आरओ लगवा लिया, बोले साहब हमारे घर में तो आरओ लगा हुआ है, हम आरओ का पानी पीते हैं, हम फिल्टर पानी पीते हैं। और वो फिल्टर पानी पी करके ये सब जताते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया या ये बहुत बड़े वो ज्ञानी पुरुष हो गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आरओ का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत घातक है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि आरओ क्या काम करता है, जब आप पानी आरओ में पानी डालते हैं तो आरओ का पानी उसको पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर जो कैल्शियम था, पानी के अंदर जो दूसरे मिनरल्स थे, उसको आरओ ने खत्म कर दिए। अब उसमें कोई खनिज तत्व उस पानी में नहीं रहा। हमें प्यास लगती ही इसलिए है कि जब हमारे शरीर में खनिज की कमी हो जाती है तो प्यास लगती है। अब उस खनिज की पूर्ति के लिए हमने पानी पिया, लेकिन आपने तो आरओ के से क्या किया, उस पानी के खनिज तत्व ही आपने खत्म कर दिए। अब वो पानी पानी है, केवल प्यास बुझाएगा, लेकिन आपके शरीर में खनिज तत्व जो हड्डियों को मजबूत करने वाले थे, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने वाले थे, उन तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति अर्थराइटिस से परेशान होने लगता है, घुटने खराब होने लगते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाता है। हम पीकर के बहुत बड़े आदमी हो गए। तो प्रदूषित पानी ये भी एक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और साथियों, एक अगला कारण है बीमार होने का, वो है तनाव, जो आजकल बहुत ज्यादा है। प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाणा मूल कारणम। आयुर्वेद कहता बुद्धि का बिगड़ जाना ही सभी रोगों का मूल कारण है। आप देखेंगे इस समय जितनी बीमारियां चल रही है, उन सभी बीमारियों की यदि जड़ में आप जाएंगे तो वो जड़ आपको नजर आएगी, टेंशन। टेंशन से ही अब आप देखो कितनी प्रकार की बीमारियां केवल टेंशन की है। सिर में दर्द टेंशन की बीमारी है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, इसमें भी टेंशन काम करता है। आपको बीपी हो गया, कारण है टेंशन। टेंशन के कारण से ही शुगर बढ़ जाता है, टेंशन के कारण से ही आपका पेट खराब हो जाता है, टेंशन के कारण से आपका अर्थराइटिस बढ़ जाता है, यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाता है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, उसको नींद नहीं आती है। आपको भूख लग रही है, आप भोजन करने बैठे और उसी समय यदि कोई टेंशन की बात आपको याद आ गई या कोई टेंशन आपको हो गई या किसी ने कुछ ऐसी बात बता दी तो तुरंत आपको भूख लगना ही बंद हो जाएगी। तो तनाव से क्या हुआ,
तनाव से आपको भूख लगना बंद हो गई, तनाव से आपको नींद आना बंद हो जाती, नींद ही नहीं आती, रात रात भर हम जगते रहते, टेंशन हो गई। तो तनाव के कारण से बीपी बढ़ रहा है, तनाव के कारण से आर्थराइटिस बढ़ रहा है, तनाव के कारण से शुगर बढ़ रहा है, तनाव के कारण से ही हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, तनाव के कारण से ही माइग्रेन हो रहा है, तनाव के कारण से ही व्यक्ति डिप्रेशन में चला जा रहा है, अनिद्रा का शिकार हो रहा है। और महिलाओं को भी जो मासिक धर्म की अनियमितता होती है उसमें भी तनाव बहुत बड़ा कारण होता है। तो तनाव एक है बीमारी, लेकिन इस एक बीमारी से अनेक बीमारी पैदा होती है। एक बीमारी आ गई तनाव, तो उस एक तनाव से आपको अनेक बीमारी पैदा हो जाएगी। तो रोग से रोग पैदा होते हैं। रोग जो है, कोई भी बीमारी जब आती है वो अकेली नहीं आती है। वो कहती मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में तो मेरा पूरा खानदान है। तो वो अपने साथ में अनेक बीमारियों को लेकर, मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गई, तो आप क्या समझते हैं डायबिटीज अकेली आपको आएगी? नहीं, डायबिटीज आपको हो गई है तो आपको बीपी भी होगी, आपको हृदय रोग भी होगा, ये होगा ही होगा। डायबिटीज के साथ साथ में बीमारियां आती है भाई। आप जिमने जाते हो तो मिठाई भी आएगी, पूरी भी आएगी, सब्जी भी सब आपको मिलती है। ऐसे ही एक बीमारी भी आ जाती है तो अनेक बीमारियों को लेकर के साथ में आती है। तो तनाव एक ऐसी बीमारी है जो अनेक बीमारियों को पैदा करती है। टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, आदमी पागल तक हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता, कोमा में चला जाता, लकवा आ जाता है। आपने देखा ऐसे ऐसे लोग अच्छा भला खा पी करके सोए और रात को उठे ही, सुबह उठे ही नहीं, रात को ही शरीर त्याग कर दिया। तनाव से व्यक्ति का हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो तनाव भी एक प्रकार का बहुत बड़ा कारण होता है। बीमारी का एक कारण है माता पिता की गलती। अब आप कहेंगे साहब माता पिता की क्या गलती से बीमार कैसे होते हैं? तो जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय यदि माता पिता बहुत, माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है तो बच्चे के मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। माँ यदि ज्यादा लाल मिर्च खाती है तो बच्चे की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माँ यदि ज्यादा नमक खाती है तो बच्चे के बाल जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। और माँ का जो चिंतन जैसा होता है, खान पान जैसा होता है, फिर उस बच्चे का स्वास्थ्य भी वैसा ही बिगड़ जाता है। बचपन जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में माता पिता ने कुछ ऐसी गलतियां की, उसको गलत दवाइयां दे दी, उसके साथ गलत खान पान उसको कर दिया, तो उस बच्चे में भी कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है। तो माता पिता की गलती के कारण से भी व्यक्ति बीमार होता है। बीमारी का एक अगला कारण है दवाएं। जो हम दवाइयां खा रहे हैं, आपने देखा होगा दवाई जितनी भी होती है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो ज्यादा दवाइयों का प्रयोग करना, बीमारी है तो आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, लेकिन जो हम ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं इन ज्यादा दवाइयों का भी हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ज्यादा दवाइयों के सेवन से भी व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है। और क्या बीमारी का कारण? बीमारी का एक कारण है गलत विचार। विचारों के ऊपर मैंने गीता के प्रथम दिन ही आपको बहुत विस्तार से समझा दिया था कि विचारों का हमारे शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस कोरोना काल के अंदर जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से कई प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं जो केवल घबरा करके ही मर गए कि मुझे कोरोना हो गया, मेरे पड़ोस में जो बिस्तर पर लेटा हुआ उसकी मृत्यु हो गई, तो अब तो मेरी भी निश्चित है। और वो घबरा जाता है, घबरा करके उनको हार्ट अटैक आ गया और वो व्यक्ति भी मर गया। कई ऐसे केस भी आए कि कोरोना नहीं था उनको, लेकिन हॉस्पिटल में गए और वहां का माहौल देखा, घबरा गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो व्यक्ति के गलत विचार जब आते होते हैं उसके, तो गलत विचारों का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और क्या हो है बीमारी का कारण? एक बीमारी का कारण है शारीरिक श्रम नहीं करना, ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए हमारा शरीर, मैंने जैसा कि आपसे कहा, एक मशीन की तरह से काम करता है। आप 10 लाख की या 50 लाख की आप गाड़ी खरीद कर लाओ और उस 50 लाख की गाड़ी को लाकर के घर पर खड़ी कर दो, उसको चलाओ मत आप, तो क्या होगा? वो गाड़ी पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा, अनेक प्रकार की उसमें समस्याएं खड़ी हो जाएगी। महंगी से महंगी गाड़ी है, यदि आपने उसको नहीं चलाया तो गाड़ी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। कोई भी आप मशीन लेकर के आते हैं, यदि आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो मशीन खराब हो जाएगी।
लोहे को कहते हैं पड़ा पड़ा लोहा जंग खा जाता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, इस शरीर का सिस्टम इस प्रकार का बना हुआ है कि जब तक आप शरीर से श्रम नहीं करेंगे, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और इसी का कारण है कि आज दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, उनमें से 70-80% लोग वो लोग हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जिनके पास सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था है, जिनके आलीशान मकान हैं, जिनके पास एयर कंडीशन लगे हुए हैं, जिनके पास फ्रिज है, एसी है, सब कुछ जिनके पास में है, वो लोग ही ज्यादा बीमार हैं। जो व्यक्ति कृषक है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दिन में पसीना बहाता है, वो व्यक्ति बीमार कम होता है। तो शारीरिक श्रम नहीं करना ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने बातें रखी कि हम जो बीमार होते हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है। आज मैंने केवल दो विषय पर आपके सामने चर्चा की, कल हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि हम भोजन, जो हमारा खान पान है, वो कैसा होना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो एक साथ नहीं खानी चाहिए, जिनकी हमें जानकारी नहीं है। और खास करके जो महिलाएं हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो फिर अपने घर में रसोई में वैसा ही खाना बना देती है, खुद भी बीमार हो जाती है और सारे घर के लोग बीमार हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या हो गया, बीमार क्यों हो गए। तो हमें मोटी मोटी जानकारी आहार पर भी होनी चाहिए, खान पान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसा हम आहार करते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा शरीर बनता है, क्योंकि समय हो चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस आने वाले 2-3 दिन का जो वो हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे देश से जुड़ा हुआ विषय है, प्रत्येक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये विषय है। और यदि ये मोटी मोटी जानकारी, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो हमने गुरुओं से सीखा है, जो गुरुओं से हमने सुना है, पढ़ा है, जो हमने अनुभव किया है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप और हम सब मिलकर के जो पूरी दुनिया में बीमारियां फैली हुई है, हम सब बीमारियों से परेशान हैं, उससे हम बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित। आप सभी समय पर जुड़े, उन्हें आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।